कनाडा ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए हैं। कनाडा ने कहा है कि सिख अलगाववादियों पर रहे हमले में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। कनाडा का दावा है कि सिख अलगाववादी नेताओं पर हो रहे हमले, धमकियों, हत्याओं और उनकी जानकारी जुटाने के लिए अमित शाह ने निर्देश दिया है। कनाडा के संसद उनकी जानकारी जुटाने के लिए अमित शाह ने निर्देश दिए हैं। कनाडा के संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में इस बात का खुलासा कनाडा के डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने किया है। हाल ही में उन्होंने समिति है सामने पेश होकर अमित शाह का नाम लिया, लेकिन इस बात के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि यह जानकारी उन्हें कैसे मिला है। मॉरिसन ने यह भी कहा है कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि हमलों के पीछे भारत का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिका पत्रकारी ने उनसे फोन पर पूछा था कि क्या इसके पीछे अमित शाह का हाथ है, और उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया था। इसलिए पहले कनाडा को प्रधानमंत्री जस्टिस ढूंढो ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था, और कनाडा में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को संदिग्धों की सूची में भी जोड़ा था। इसके चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव शुरू हुआ है। भारत ने अपने अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाया और कनाडा के अधिकारियों को भारत से निष्कासित कर दिया। कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाथली ड्रेइन ने भी स्वीकार किया कि सिख अलगाववादियों पर हो रही हिंसा में भारत का हाथ होने की जानकारी अमेरिका को लीक किया गया थी। उन्होंने संसद की समिति के सामने गवाही देते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी और यह केवल संचार रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें किसी संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं किया गया था। कनाडा ने भारतीय नागरिकों की जानकारी भी एकत्रित की है। बताया जा रहा है कि सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने के लिए ब्रिशोई गैंग्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके पुख्ता सबूत है। कनाडा ने यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साझा की थी, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया है। इसके बाद कनाडा ने यह निर्णय लिया है कि सभी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।